तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये चारों यहाँ पे हैं, तो तीन खुराक खा रहे और गुड़िया उनके साथ खड़ी है। तो अभी इनको तो खुराक दे दी है, तो ये अभी खा रहे हैं। अपना चारा आ चुका है कल ही, तो अभी इसकी कुट्टी करनी है लाइट आने के बाद। और अपनी सभी गाय अभी तक बंधी हुई है, खुराक इन सब की खानी हो चुकी है। तो ये अपनी गाय दिखाता हूँ मैं अंदर जाके। तो ये वाली गाय अपनी 15 दिन के अंदर बच्चा दे देगी, ये वाली, और ये 20 दिन के अंदर। तो अभी ये एक और ये दो गाय है अभी, ये दो। तो अपनी बूढ़ी गाय रात को बैठ गई थी और हमने इसको खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई। तो अभी तक तो बैठी हुई है, अभी ये खड़ी होती है कितने टाइम बाद वो पता नहीं, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रही खड़ी होने की। तो हमने उसको उठाने का भी प्रयास किया, लेकिन हमसे नहीं उठ पाई वो। तो अभी तक तो बैठी है और उसने खुराक भी नहीं खाई। तो अपनी गायों का भी हम खोल देते हैं, फिर लाइट आने के बाद कुट्टी करेंगे चारे की, फिर गायों के फार्म के अंदर डालेंगे। तो अपने बैल भी हम ले आए थे, दिखाता हूँ बैल। तो ये रहे दोनों बैल, एक कुट्टी मशीन की वजह से दिख नहीं रहा। तो इन दोनों को भी चारा देना पड़ेगा, खेत में काम है हल चलाने का। और ये रही अपनी गुड़िया। तो सामने अपनी गुड़िया खेल कूद करेगी अभी यहाँ पे, और इन दोनों को बांध दिया है, महाराज खुला है, लेकिन वो इनके साथ सूखा चारा खाने आया हुआ है। यहाँ पे सूखा चारा डाल दिया है, तो वो भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि वहाँ का रास्ता बंद कर देते हैं, तो उसको सूखा चारा वहाँ मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आ जाता है। तो इनके साथ सूखा चारा खा रहा है, बाद में जब लाइट आएगी तभी इसको हरा कुट्टी करके दे देंगे, तभी इन दोनों को भी दे देंगे। और गुड़िया अब अच्छे से खेल कूद करने लगे, तो अभी ये अपने हिसाब से यहाँ हवा आती जाती रहेगी। तो अभी इसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ना अभी ये खेतों में बैठेगी ना कुछ दिक्कतें होने वाली। पहले कैसा था कि भाई खेत में बैठ जाएगी तो फिर उसको ढूंढना पड़ता, लेकिन अब ये बड़ी हो गई, अभी खेतों में नहीं बैठेगी। और महाराज को बांधते नहीं हैं, तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो चारा और पानी अपने हिसाब से कर लेता है। नहीं तो अगर बांध दिया तो फिर इन दोनों की तरह उसको चारा भी देना पड़ेगा, उसको पानी पिलाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं उसे और ना ही गुड़िया को। चलो चलते हैं, हम उस वाले फार्म की सफाई के लिए जाना है, यहाँ के काम हो गए हैं। तो भाई अभी काफ़ी टाइम हो गया और अपनी बूढ़ी गाय अभी तक खड़ी नहीं हुई, बाकी कुछ गाय यहाँ पे चारा खा रही है और कुछ गाय यहाँ पे है, और महाराज और चुटकी बाहर है। तो चलो चलते हैं बाहर, बूढ़ी गाय को चारा खाने में दिक्कतें हो रही क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पा रही। तो चारा उसे खाने में आज सुबह मैंने सूखा भी रखा था उसके पास ही, लेकिन उसने खाया नहीं, तो मैंने साइड में रख दिया वो, क्योंकि बाकी दूसरी गाय उसे परेशान कर रही थी, तो इसलिए मैंने उठा के बाहर ही रख दिया, जिससे दूसरी गाय उसके पास ना जाए। और गुड़िया देखो यहाँ पे अंदर मुंह डाल रही हो बैलगाड़ी के नीचे, अंदर चली गई वो। और महाराज यहाँ पे बैठा है, ये रहा, तो ये सूखा चारा उनके पास खा के आ गया वापस, तो यहाँ पे आके बैठ गया ये। और ये दोनों यहीं पे रहते, मतलब ये दोनों साथ में रहते, इन दोनों की अच्छी दोस्ती होगी, तो उनको छोड़ के यहाँ पे आ जाए। चाचा जी बैल लेके जा रहे हैं खेत में हल चलाने के लिए, अभी मैं जाता हूँ उस वाली फार्म की सफाई के लिए। तो भाई अभी लाइट आ चुकी है और सामने की मकई में मैंने पानी चालू कर दिया है, तो ये फार्म के पास का ही मकई है, तो इसमें पानी लाइट आते ही मैंने चालू कर दिया है। अपना कुआ है फुल भरा, ये देखो, तो कुआ अपना ज़्यादा भरा हुआ है। तो कल इस वाले कुएं में बोरवेल का और डैम का पानी आ रहा था, और इस वाले कुएं का पानी फसल में जा रहा था, तो ये कुआ ऊपर तक भर गया था। और अभी इस वाले कुएं का पानी जा रहा है अपने उधर वाले कुएं में, तो ये उधर वाला कुआ कल खाली हो गया था, पानी ख़त्म हो गया था, तो इसका पानी अभी उस वाले कुएं में डाला है। और बोरवेल का और डैम का पानी मकई में जा रहा है, तो ये डैम का आ रहा है और ये बोरवेल का, तो ये पानी जा रहा है सीधा फसल में, और इस वाले कुएं का जा रहा है उस वाले कुएं में। जब तक उधर वाला कुआ भरता है तब तक ये वाला कुआ खाली हो जाएगा, फिर इस वाले कुएं का और उस वाले कुएं का पानी अपनी दूसरी मकई की फसल में जाएगा, और बोरवेल का और डैम का इस वाले कुएं में डाल देंगे। तब तक ये इस वाली फसल में जितना पानी दे सकते हैं दे देंगे, जब तक ये कुआ खाली होता है तब तक बोरवेल का और डैम का पानी
इस वाली फसल में चलेगा। जब ये कुआँ खाली हो जाएगा तो ये दोनों का पानी इधर डलेगा और इसका पानी खेतों में जाएगा। बाकी अपनी गाय बैठी हुई है, बाकी कुछ खड़ी है, तो अभी हम फटाफट चारे की कुट्टी करते हैं, कुट्टी करके अपनी गाय को डाल लेते हैं। तो अपनी बूढ़ी गाय खड़ी तो नहीं हुई अभी तक, तो मैंने उसको हरा चारा उसी के पास रख दिया, उसने रखते ही थोड़ा बहुत खाया और खाएगी थोड़ी देर बाद। बाकी अपनी गायों को सभी को चारा दे दिया, तो सभी खाने के लिए लग गई हैं हरा चारा। तो इनका तो काम हो गया है, तो मैंने गोबर भी उठा लिया था, फार्म में होगी सफाई भी और चारा भी इनका खाना हो गया है। और ये दोनों यहाँ पे है, ये रहे, तो महाराज को भी चारा हरा वाला मिल जाएगा, उसको भी मैंने कुट्टी करके साइड में रख दिया है, और चुटकी उनको भी मैं हरा चारा डाल के आया हूँ। तो सबको चारा और पानी का जुगाड़ करना हो गया कंप्लीट, तो अभी कोई काम नहीं रहा, तो सिर्फ अपने को भी फसल में पानी देना है, वो काम करते हैं। और ये जो गोमूत्र है यहाँ पे, तो इसको भर भर के बाल्टी अपने फसल में जहाँ से पानी बहेगा पानी में डालना है, ये सामने वाली मकई में। तो ये जो गोमूत्र है अपनी फसल में खाद का काम करेगा, जिससे फसल अच्छी आएगी। तो अभी हम इसको बाल्टी भर भर के, ये देखो ये जो जितना सारा यहाँ पे है इसको सारा ख़त्म करना है, बाल्टी भर भर के इस वाली फसल में डालना है। तो भाई मुझे देखो एक एक गिरगिट दिखाए, ये देखो अलग प्रजाति का है और ये अपना कलर चेंज करता रहता है, ये देखो सामने जा रहा है तो अंदर चला गया वो। तो अपनी गाय लेके जा रहे हैं हम चराने के लिए, और मुझे वो रास्ते में ही दिख गया, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो चलो इनको फटाफट लेके चलते हैं हम बाहर, फिर आपको दिखाते हैं। तो अपना पानी अभी चालू कर लिया है मैंने, अब फार्म से दूरी पे है पानी, दो अपने दोनों कुओं का पानी यहाँ आ रहा है और अपने बोरवेल का और डैम का पानी कुएं में डाल के आए हुए। तो ये रही अपनी मकई, यहाँ पे एक एकड़ मकई है, तो इसमें पानी देना काम चल रहा है। तो ये आधा एकड़ तो कल भर गई थी, आधा एकड़ बाकी है, तो आज वो पूरी करेंगे। और चाचा जी दिखाता हूँ मैं, हल चला रहे कपास के खेत में, फिर अब दो दिन बाद उस वाले खेत में, कपास के खेत में पानी देना है। तो अभी तो मकई पूरी करते हैं, मकई के बाद कपास में देंगे। तो वो वाली मकई आधी भरी है, उसको अभी यहाँ से जाके पूरी करेंगे, लेकिन तब तक इस वाले को कर रहे हैं। और ये रही अपनी कपास, चाचा जी हल चला रहे, मतलब वो हल से नाली बना रहे दो कपास की सरियों के बीच, यहाँ और यहाँ इसके बीच में, तो यहाँ पे अपना पानी आएगा। तो अभी वो थोड़ा ही बाकी उनका, यहाँ से यहाँ तक का हो गया है और यहाँ से यहाँ तक का बाकी है, तो अभी अभी पूरा कर देंगे। देखो आ रहे उधर से, हम कपास के खेत में पानी देंगे और चाचा जी हल चलाने का काम करेंगे, उनका होने में है, फिर वो फार्म के काम करेंगे हम ये वाले। तो अपनी गुड़िया ये प्लास्टिक के टब के साथ खेल रही है और उसके साथ महाराज भी है, तो ये दोनों इसके साथ खेल रहे। तो मैंने सभी बच्चों को पानी भी पिला दिया और उन दोनों को चारा भी नए से दे दिया, और महाराज को कुछ दिया नहीं है, सुबह से वो यहाँ वहाँ जाके खा रहा है, और गुड़िया भी साथ में ही घूम रही, उसके आज पूरा टाइम वो उसी के साथ घूम रही है। और सामने वाले खेत में पानी देने का काम चल रहा है इस वाले, तो सुबह हम दे रहे थे इस वाले खेत में, फिर उधर उस वाले खेत में चले गए थे, वहाँ भर के आ गए, तो फिर से इस वाले खेत में चालू कर दिया। तो यहाँ पे पानी जा रहा है और मैं चार बाल्टी गौमूत्र भर के इस पानी में डाल दे रहा हूँ, तो इस खेत में खाद चली जाएगी, गौमूत्र की खाद हो जाएगी, तो फिर अपने को बाहर से खाद देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी कुएं में अभी तक पानी बचा हुआ है, तो वो पानी बाकी यहाँ आ रहा है, बाकी वहाँ जा रहा है, तो और थोड़ी देर तक काम चलेगा, फिर ये पूरा भरना हो जाएगा। और अपनी इस बूढ़ी गाय, आज भाई पूरा दिन हो गया है, अभी 3:30 बज गए, अभी तक अपनी बूढ़ी गाय खड़ी नहीं हुई, और उसने थोड़ा ही चारा खाया, बाकी चारा दूसरी गाय खा गई उसका, तो उसको अभी क्या करना पड़ेगा पता नहीं, चारा भी नहीं खा रही वो ठीक से। और अपनी गायों को जो चारा दिया था वो गया पूरा ख़त्म, तो अभी शाम का चारा कुट्टी करके डालना पड़ेगा। तो अंदर का पहले गोबर उठाना है, फिर चारा की कुट्टी कर लेंगे। तो अभी चाचा जी गए हैं अपने बैलों को लेने के लिए, क्योंकि बैल बाहर बांध के आए थे चाचा जी, खेत के काम हो गए थे हल चलाने का, तो फिर वो चारा खाने के लिए बाहर बांध के आए थे, तो वो अभी वहाँ से लेके आएंगे, फिर और थोड़ा चारा काटना है कल के लिए बोल रहे चाचा जी। जितना बैलगाड़ी में उतना तो
आज के लिए शाम का हो जाएगा और कल के लिए वो काटना है तो आज ही काटने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा कम पड़ जाएगा तो थोड़ा इसमें डाल देंगे और बाकी कल के लिए। तो इन दोनों को यही खेलने देते हैं। महाराज को अभी बांधना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी चारा कुट्टे होने के बाद ये चारे के ऊपर चला जाता है और गंदा करता है। अभी खाने की काम नहीं कर रहा हो ज़्यादा, गंदा ज़्यादा करता है। अभी देखो चुटकी को, सॉरी गुड़िया को मार रहा हो। तो भाई घूमते घूमते देखो महाराज और गुड़िया कहाँ आ गए। ये देखो ये रहे दोनों। तो महाराज को खाना था बांध का चारा, तो गुड़िया को भी साथ ले आया। ये देखो खेतों में अब महाराज चारा खाएगा और गुड़िया तो खेतों में घूमेगी। तो अभी थोड़ी दिनों बाद ना महाराज को बांध देना पड़ेगा, क्योंकि गुड़िया के साथ और दो बच्चे आ जाएंगे छोटे, फिर ये चार हो जाएंगे। तो महाराज इनको कहाँ भी लेके जाएगा। महाराज तो बड़ा है लेकिन ये बच्चे छोटे हैं, तो महाराज के साथ जाएंगे तो कुछ हानि हो सकती है। ये देखो महाराज अच्छे से भाग रहा है लेकिन गुड़िया को पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ क्या है। तो ये घूम रहे उसके साथ, सुबह से ऐसे ही चल रहा था मैं उस वाले खेत में जब पानी दे रहा था फसल में, तो महाराज भी आधे खेत तक मेरे साथ आया था और गुड़िया को भी लेके आया था। ऐसे ही वो कपास में खेलते खेलते मेरे पास आए थे, लेकिन अभी तो यहीं पे है पास में। तो भाई अपनी गाय आ गई है, रोकते हम इसको। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो गाय आ चुकी है, अभी इसको अंदर करते हैं बंद। बीच में एक गाय खड़ी है, ये बच्ची जा रही है। तो बात कुछ ऐसी हुई कि जो अपनी गुड़िया है और महाराज बांध का चारा खा रहे थे, तो अचानक वो दोनों भागते हुए फार्म पे आ गए। तो रास्ता खुला था उनको, मतलब गाय को निकलने के लिए बाहर। चाचा जी गोबर उठा रहे थे, तो वो कढ़ाई का जो गोबर है वो फेंकने के लिए आए बाहर। तो रास्ता खुला था, तो गुड़िया और महाराज भागते आए, तो उसकी माँ को लगा कुछ हुआ होगा, सो सीधा बाहर निकल के उनके पीछे भाग गई। तो चाचा जी भी उसको लेके आए, कर दिया उसको भी बंद। महाराज उधर ही रह गया, गुड़िया फिर उसकी माँ के पीछे यहाँ आ गई। तो अपनी गुड़िया कब से यहीं पे चक्कर लगा रही है, क्योंकि उसने उसके माँ के साथ एक बार मिल लिया, तो अभी उसको लग रहा है अभी मुझे जाने देंगे, लेकिन रास्ता बंद है और वो घूम फिर के यहीं पे आ रही है। तो महाराज को उसने छोड़ दिया, अब यहीं पे रुक गई और हमने चारे की कुट्टी कर ली। तो चाचा जी बोल रहे कि यह चारा तो बहुत कम पड़ेगा अपनी गायों के लिए, तो अभी काटना है और बैलगाड़ी भर के लेके आना। तो अभी सुबह से शाम हो गई, लेकिन अपनी बूढ़ी गाय तो आज खड़ी नहीं हुई। हमने बहुत कोशिश की उसको खड़ा करने की, लेकिन वो खुद से खड़ा होने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही है। तो आज तो उसने पूरा दिन ना खुराक खाई, ना चारा खाया, ना पानी पिया। तभी उसने पूरा ही जो चारा पानी और खुराक है वो पूरी बंद कर दिए। तो मुझे नहीं लगता भाई अभी अपनी बूढ़ी गाय बच पाएगी, क्योंकि आज तो उसने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं और खड़ी भी नहीं हो गई। लगता नहीं अभी या दो या एक दिन निकालती है या फिर नहीं भी निकालती, या रात को ही कुछ हो जाता है। तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन उसने खुराक चारा पानी सब छोड़ दिया है। तो आज देखते हैं सुबह क्या होता है। अभी तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन चारा भी बंद कर दिया, तो अभी सुबह देखेंगे। तो अपनी बाकी गायों को खुराक दे दिए और उन सब की खानी भी हो चुकी है। तो हरा चारा भी मैंने सब जगह डाल दिया है, ये रहा, तो यहाँ भी डल गया और ऊपर की साइड भी पूरा डाल दिया है। और अपना महाराज बाहर बैठा है, ये रहा, इधर है महाराज, इसको बांध दिया है। ये अंदर जा रहा था और गुड़िया भी अंदर जा रही थी, इसको भी बांध दिया है और अपनी खुराक निकाल ली है। चारा जो ये टब में है तो ये वाला गायों के लिए डलेगा, और जो पीछे वाला ये वाला नीचे पड़ा ये ज़्यादा मेरे से कुट्टी हो गया, तो ये अपन सुबह डाल देंगे, खा लेंगे सुबह। और इन दोनों को यहाँ ले आए और इनकी भी खुराक खानी हो गई है। तो बेलों के भी खेतों के काम हो गए, उसके बाद हम चारा भी काट के ले आए, तो अभी इनको भी मैंने हरा चारा डाल दिया, सुबह चरने के लिए जाएंगे, खेतों के काम इनके भी ख़त्म हो गए। तो अभी सिर्फ बाकी है अपनी गायों का दूध निकालना, तो निकाल लेते हैं। खेत में पानी देने का काम भी हो गया और लाइट आज ओवर टाइम चल रही है, अभी 15 मिनट ऊपर हो गए, 6:15 हो गए और अब तक लाइट चल रही है। नहीं तो 6 बजे ही लाइट चली जाती, तो आज थोड़ा देरी से जाएगी मेरे को लगता है। तो अभी निकाल लेते हैं अपनी गायों का दूध। तो सभी बच्चों को कर दिया है सेफ्टी रूम में बंद, और अपने गायों को खोल दिया है सभी को, ये खा रही है चारा और अपनी बूढ़ी गाय
अभी भी नहीं हुई खड़ी, और मैंने उसको सूखी खुराक भी रखी थी खाने के लिए कि भाई सूखी खुराक खाए तो खा ले, तो वो भी नहीं उसने खाई। तो अभी उसने तो सुबह से खाना पीना सब छोड़ दिया है, अभी देखते हैं सुबह क्या होता है। तो अपना बाकी काम सारा हो चुका है और गाय भी खुल चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।